प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक अग्निमुख पक्षी की कहानी है। जिस प्रकार से इंसान होली मनाता है, उसी प्रकार से यह अग्निमुख पक्षी भी होली मनाता है, होलिका दहन करता है। प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी पावन पवित्र है, बड़ी निर्मल है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी औलाद पर हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। आपकी संतान पर किसी भी प्रकार का संकट हो, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। और इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था। उसके एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम प्रह्लाद रखा जाता है। प्रिय दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने महादेव की भक्ति करने के बाद ऐसे वर प्राप्त किए थे जिसके कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग गया था, अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता था। अपने आगे वह किसी की भी नहीं सुनता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद, वह हमेशा श्री विष्णु की भक्ति किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बार बार मना किया करता था कि तुम विष्णु की भक्ति मत करो, तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहता था कि मैं ही राम हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ। इस तरह की बात हिरण्यकश्यप अपने नगर में सभी लोगों से कहता है। प्रिय दोस्तों, हिरण्यकश्यप के राज में जितने भी लोग थे सभी हिरण्यकश्यप की भक्ति किया करते थे, उसी की पूजा अर्चना किया करते थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र ही एक ऐसा था जो श्री हरि विष्णु की भक्ति किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा क्रोधित रहता था, बड़ा नाराज हो जाता था। उसके बार बार मना करने पर भी भक्त प्रह्लाद श्री हरि विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ता, हमेशा भगवान का ही जाप किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बार बार समझाता है, तब भी वह नहीं समझता है, तो उसके बाद उसको विभिन्न तरीकों से दंडित करना शुरू कर देता है। प्रिय दोस्तों, इसी तरीके से एक बार का जिक्र है कि जब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद स्कूल जाता है, गुरुकुल में जाता है, तो उस समय जब उसके गुरु उसको पढ़ाते हैं, गुरु जो भी लिखवाते हैं उसको भक्त प्रह्लाद नहीं लिखता है, वह हमेशा अपनी तख्ती पर राम नाम लिखता है, श्री हरि विष्णु का नाम लिखता है। अब उसका गुरु भी बड़ा दुखी हो जाता है। प्रह्लाद का गुरु भी प्रह्लाद से कहता है कि प्रह्लाद, तुम विष्णु का नाम मत लिखा करो, राम का नाम मत लिखा करो। यदि तुम्हें नाम ही लिखना है तो सिर्फ तुम्हारे पिता का नाम लिखा करो। तुम्हारे पिता ही सर्वव्यापी हैं, वही श्रेष्ठ के पालनहार हैं, वही श्रेष्ठ के कल्याणकारी हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप का ही नाम लिखा करो। प्रिय दोस्तों, फिर भी प्रह्लाद अपने गुरु की बात को नहीं मानता है और राम नाम लिखना बंद नहीं करता है। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा क्रोधित हो जाता है और अपने पुत्र को विभिन्न प्रकार से पीड़ित करना शुरू कर देता है। एक बार का जिक्र है कि भक्त प्रह्लाद अपने नगर में घूम रहा था, तभी वहाँ पर कुम्हार के घर चला जाता है। तो वहाँ कुम्हार बर्तन पकाने के लिए अपना हाव जलाता है। जैसे कुम्हार मटकी को पकाने के लिए हाव में आग लगाता है, तो प्रिय दोस्तों उसके अंदर दो बिल्ली के बच्चे गलती से रह जाते हैं। उधर कुम्हार हाव में आग लगा देता है। प्रिय दोस्तों, प्रह्लाद भक्त यह देखकर बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है और सोचने लगता है। तब भक्त प्रह्लाद भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगता है, उनके मंत्रों का जाप करने लगता है। प्रिय दोस्तों, नगर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रह्लाद भगत को कोई बुरा कहता है, कोई भला कहता है, कोई कहता है तुम्हारे राम में इतनी शक्ति नहीं है जो हाव में से बिल्ली के बच्चों को बचा लें, कोई कहता है तुम्हारे विष्णु भगवान में इतनी ताकत नहीं है जो इतने तीव्र गति से जलते हुए हाव में से बिल्ली के बच्चों को निकाल लें या बिल्ली के बच्चों को बचा लें, कोई कहता है
कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस हाव में से बिल्ली के बच्चे जिंदा निकाल सके। इस तरह से लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उधर प्रहलाद भगत श्री हर विष्णु का भजन में मग्न हो चुका था और वह किसी की भी नहीं सुन रहा था। वह श्री हर विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहा था और बार बार प्रभु से एक ही विनती कर रहा था कि हे प्रभु, इन बिल्ली के बच्चों को जिंदा निकालना, किसी भी तरीके से उनके प्राण बचा लेना। प्रिय दोस्तों, जब कुम्हार का हाव पक जाता है और 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन बाद में कुछ बच्चे उस हाव के पास खेल रहे थे, तभी उन बच्चों में से कुछ कंकड़ उस हाव में गिर जाते हैं। जैसे ही कंकड़ हाव में गिरते हैं, उसमें टंकार करती आवाज़ निकलती है। प्रिय दोस्तों, यह देखकर कुम्हार बड़ा चकित रह जाता है, बड़े चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पहले जब हाव पकाते थे 1.25 महीने में खोलते थे, लेकिन इस बार 3 ही दिन में मटकियां कैसे पक चुकी हैं। यह देखकर कुम्हार भी बड़े चिंतित हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, यह खबर हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंच जाती है कि कुम्हार का हाव आजकल 3 दिन में पक गया है। प्रिय दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद राजा हिरण्यकश्यप भी वहां पहुंच जाता है और कुम्हार अपने हाव की मटकियां निकालना शुरू करता है। जब कुम्हार अपने हाव के मटकियों को निकालता है, एक मटकी बड़ी सुंदर और बड़ी पक्की हुई निकलती है। अंततः कुम्हार सारी मटकियों को निकालता है, कुछ मटकियां शेष रहती हैं। तभी उसमें से दोनों बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलकर भागते हैं। यह देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि यह चमत्कार आखिर कैसे हुआ। इतनी तीव्र अग्नि में बिल्ली के बच्चे जिंदा बच्चे तो बचे कैसे। प्रिय दोस्तों, यह दृश्य देखकर प्रहलाद भगत बड़ा प्रसन्न होता है और श्री हर विष्णु का धन्यवाद करता है और नगर के सारे लोग भक्त प्रहलाद की जय जयकार करने लगते हैं, विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगते हैं, श्री राम भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। तभी हिरण्यकश्यप को और भी यह बात चुभ जाती है। अब यह बात प्रहलाद भगत के पिता हिरण्यकश्यप को बड़ी चुभ जाती है। सोचने लगता है कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है, अब तो इसको खत्म करना ही पड़ेगा। यदि इसी तरीके से श्री विष्णु भगवान की पूजा करता रहा, तो इसी तरीके से श्री हर विष्णु की जय जयकार करवाता रहा, श्री राम भगवान की जय जयकार करवाता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे और मेरी पूजा करना बंद कर देंगे। यही सोचकर हिरण्यकश्यप अब अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाता है, पहाड़ से फेंकवाता है। तो प्रिय दोस्तों, वहाँ भी प्रहलाद भगत बच जाता है, क्योंकि प्रहलाद के सर पर हमेशा भगवान विष्णु का हाथ रहता था। उसके बाद हाथियों से कुचलवाता है, तो वहाँ भी प्रहलाद भगत बच जाता है। इसी तरीके से काफ़ी षड्यंत्र हिरण्यकश्यप रचता है ताकि प्रहलाद भगत की किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाए। प्रिय दोस्तों, अंततः हिरण्यकश्यप परेशान होकर अपनी बहन होलिका को बुलवाता है और होलिका से कहता है कि बहना, अब इस प्रहलाद भगत को तुम्हें गोद में लेकर के बैठना है और इसको अग्नि में जलाकर भस्म करना है। यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से इस तरह की बातें करता है। प्रिय दोस्तों, हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, उसको भगवान शिव जी से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जब होलिका अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसको जला नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास में भोलेनाथ की दी हुई एक ऐसी चादर थी, जब वह आग में बैठती तो उस चादर को ओढ़ करके बैठा करती थी, जिसके कारण वह अग्नि में नहीं जला करती थी। अब हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद भगत यानी अपने भतीजे को गोद में ले करके और चिता में बैठ जाती है। चारों तरफ काफ़ी सारी लकड़ियाँ लगा दी जाती हैं और उसमें आग लगा दी जाती है, धूं धूं करके आग जलने लगती है। प्रिय दोस्तों, जब होलिका प्रहलाद भगत को गोद में लेकर चिता में बैठती है, तभी वहाँ दोनों बिल्ली के बच्चे भी आते हैं। जो बिल्ली के बच्चे कुम्हार के हाव से जिंदा निकलकर भागे थे, वही दोनों बिल्ली के बच्चे उस जगह पर आ जाते हैं और धीरे से उस चिता में घुस जाते हैं जिसमें प्रहलाद भगत होलिका की गोद में बैठा हुआ था। उसी में दोनों बिल्ली के बच्चे भी घुस जाते हैं। अब प्रिय दोस्तों, जैसे ही चिता को आग लगाई जाती है, तो प्रहलाद भगत
श्री हर विष्णु के मंत्रों का जाप करने लग जाता है। उधर दोनों बिल्ली के बच्चे भी श्री हर विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। श्री हर विष्णु की कृपा से होलिका की चादर उड़ करके प्रहलाद भगत और दोनों बिल्ली के बच्चों पर आ जाती है। प्रिय दोस्तों, अब चादर प्रहलाद भगत और बिल्ली के बच्चों पर आती है तो वो सब सुरक्षित हो जाते हैं। उधर होलिका आग में जलने लगती है। जैसे ही होलिका जलने लगती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन होलिका की आवाज़ को कोई नहीं सुनता। प्रिय दोस्तों, अंत में होलिका जल जाती है और भस्म बन जाती है। जब आग पूरी तरह शांत हो जाती है तब दोनों बिल्ली के बच्चे और प्रहलाद भगत तीनों प्राणी अग्नि में से सुरक्षित निकल आते हैं। प्रिय दोस्तों, तब श्री हर विष्णु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि दोनों बिल्ली के बच्चे अग्निमुख पक्षी में परिवर्तित हो जाते हैं और तीनों सुरक्षित आग से बाहर आ जाते हैं। यह देखकर सारे नगर में प्रहलाद भगत की जय जयकार होने लगती है। प्रिय दोस्तों, इसी तरीके से होलिका जल जाती है, प्रहलाद भगत बच जाते हैं, साथ में अग्निमुख पक्षी भी बच जाते हैं, यानी दोनों बच्चे भी सुरक्षित बच जाते हैं। प्रिय दोस्तों, उसके बाद श्री हर विष्णु नरसिंह रूप धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का अंत कर देते हैं। प्रिय दोस्तों, होली का त्यौहार जो आज हम सब मनाते हैं, यह इसी खुशी में मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। इसीलिए होलिका मनाई जाती है और होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन भारी रंगों से सभी लोग बड़े प्यार से, बड़े चाव से एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से इंसान होलिका का दहन करता है, अग्निमुख पक्षी भी उसी तरीके से हर वर्ष होलिका दहन करता है, होलिका मनाता है। यह पक्षी बड़ा समझदार होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है और शास्त्रों में अग्निमुख पक्षी के बारे में ऐसा कहा गया है कि यदि जो बंदा होलिका के दिन इस पक्षी के दर्शन कर ले तो प्रिय दोस्तों, उसका जीवन ही बदल जाता है। जो मनुष्य होली के दिन इस पक्षी के दर्शन करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। उस व्यक्ति की जितनी आयु होती है, वह संपूर्ण आयु में वह व्यक्ति कभी दुख नहीं झेलता। प्रिय दोस्तों, इस पक्षी को श्री हर विष्णु का परम भक्त भी कहा जाता है। यह पक्षी लाल रंग का होता है। जिस तरीके से अग्नि की लपटें होती हैं, उसी तरीके से इस पक्षी का रंग होता है। यदि यह पक्षी अपने पंखों को ऊपर करके बैठ जाए और सामने से यदि कोई इंसान इसको देखता है तो इस तरीके से लगता है कि अग्नि जल रही हो। इस तरीके से इस पक्षी का नाम अग्निमुख रखा गया है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। वीडियो छोड़ के मत जाइए, इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप सभी को बताना चाहते हैं। आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। और होली के दिन अग्निमुख पक्षी के जरूर दर्शन करना और अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेंगे जिनकी आप कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह पक्षी बड़ा लुप्त प्रजाति का होता है। हर किसी व्यक्ति को यह पक्षी दिखाई नहीं देता है। यह बड़ी नसीब वालों को यह पक्षी मिलता है और बड़े नसीब वालों को यह पक्षी दिखाई देता है। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।